अलगूम दोस्तों आई बी एन नंबर चौबीस हिस्सों का जो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इम्प्लॉज़ के हवाले से कि इनको अपडेट करने का मकसद सैप सिस्टम के अंदर ताकि उनकी डायरेक्ट सैलरी उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाए पहले यह सिस्टम था कि यह सैलरी उनकी बैंक को ट्रांसफ़र की जाती थी और बैंक बाद में लास्ट डेटों में जाकर उसे पोस्ट करता था अपने अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट्स के, के अंदर लेकिन इसी तरह पेंशनर्स के को भी ये हदायत दी गई है कि वो भी अपने आई बी आई नंबर यानी जो पी के से स्टार्ट होते हैं चौबीस हिन्सों वाले नंबर वो भी अपडेट करवाएँ हालांकि ए जी पंजाब ने वाजा लेटर लिखा था तमाम अकाउंट ऑफिस को कि वो जो है ख़ुद उनके आई बी आई नंबर जो है बैंक से वसूल करें और करके ख़ुद अपडेट करें लेकिन चूँकि हमारे यहाँ जो है काहली और सुस्ती बहुत ज़्यादा है तो अब ये काम पेंशनर को ख़ुद करना पड़ रहा है तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये एक फार्म जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन नीचे दे दिया है वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके इस फार्म को फिल करके इसके साथ आप अपना चेकबुक की कॉपी या मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जिस पर पी के से स्टार्ट होने वाला वो चौबीस हिस्सों वाला नंबर हो आई बी एन नंबर हो वो लिखा वो वो प्रिंट हो आपके साथ बैंक से ले लें वो बैंक से वसूल करके इस फार्म के साथ लगाएं अपने सी एन एस सी कापी लगाएँ और अकाउंट ऑफिस जाकर अपने आई पी एन नंबर को चेंज करें फार्म बहुत ही ईजी और आसान है नेम ऑफ पेंशनर आ जाएगा यहाँ पर यहाँ पर सी एन एस सी नंबर आ जाएगा पर्सनल नंबर यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर कोई आपका ई मेल या जी मेल एड्रेस आप, आपका या अपने बेटे का या बेटी का किसी का भी हो तो यहाँ पर लगा दें टाइप ऑफ टाइप ऑफ पेंशन लगा दें खुद ले रहे हो सेल्फ लिख दें वरना फैमिली पेंशन या फैमिली लिख दें डिपार्टमेंट या हेल्थ या एजुकेशन या जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो लिख दें आप अकाउंट टाइटल यानी जो पेंशनर है जो पेंशनर का अकाउंट है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर अकाउंट नंबर आ जाएगा यहाँ पर यहाँ पर आई बी एन चौबीस हिस्सों का पी के से जो स्टार्ट होता है चौबीस हिस्सों का नंबर इस लाइन में आपने लिखना है बैंक ब्रांच एंड कोड बैंक ब्रांच कोड और नाम यानी कि बैंक का जो कोड क्या है और उसका नाम किया हालांकि वो आई बी एन नंबर के अंदर सारा कुछ मौजूद है इसकी ज़रूरत नहीं है अगर ये आप ना भी फिल करें तो नो टेंशन अकाउंट स्टेटस क्या है तो ये आपने फिल करके अकाउंट ऑफिस से जो है आपने अपने सिग्नेचर करने हैं थम्प्रेशन लिया सिग्नेचर जो भी आपका और बैंक मैनेजर से साइन स्टैम्प करवा के इस फार्म को भी आपने अकाउंट ऑफिस जमा करवाना है अकाउंट ऑफिस जमा होते ही आपका जो आई नंबर जो वो चेंज हो जाएगा अगर नामुमकिन है कि आपकी पेंशन बंद हो जाए और ये बर वक्त करवा लें क्योंकि जो है सेप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को अपडेट करके अब आपकी डायरेक्ट पेंशन हो या पे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी ऐसी मुफीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन भी प्रेस करीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँच